आपका स्वागत है हमारे चैनल वीजा वीजा में। आज हम आपके लिए एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है, जो है गल्फ़ कंट्री की जो ऑफिशियल मेडिकल सेंटर्स हैं गम का, उनके बारे में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं किस तरह से आप मेडिकल में 100% पास हो सकते हैं। तो छोटा सा वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिए और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हों सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत ज़्यादा काम आने वाली वीडियो है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गमका मेडिकल सेंटर आखिर है क्या। गमका मेडिकल सेंटर वो सेंटर है जो पूरी दुनिया में जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ है उनका जो है मेडिकल वहाँ से होता है, GCC बोलते हैं जिसे। तो वो मेडिकल जो है कतर को छोड़ के सभी सऊदी, बहरीन, ओमान, इन सब जगहों के लिए आप वो मेडिकल करा सकते हैं गमका, जिसकी ऑनलाइन एक स्लिप कटती है, अपॉइंटमेंट निकलती है जो 21 दिन के लिए वैलिड होती है। उस अपॉइंटमेंट से आप मेडिकल करा सकते हैं। मेडिकल की फ़ीस 5000 के आसपास होती है और आप मेडिकल करा के गल्फ़ कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। अब परेशानी ये आती है कि जो लोग मेडिकल कराते हैं, आपको पता ही होगा मोस्टली गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करने के लिए जो माइग्रेंट लेबर्स जाते हैं, जो भी लोग जाते हैं वो ज़्यादातर जो है अपनी इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते, तो उनकी हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं। जैसे उनको कोई पुराना फीवर होता है जिसकी वजह से उनके सीने पर दाग आ जाता है, या कोई और चीज़, वो नशा करते हैं किसी तरह का, धूम्रपान करते हैं या गुटखा खाते हैं या कुछ और ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो उस वजह से उनकी प्रॉब्लम आती है। तो इन सब चीज़ों से कैसे आप छूट सकते हैं, मतलब किस तरह आप मेडिकल अपना फिट कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। सबसे पहली चीज़, 99% लोगों के चेस्ट में प्रॉब्लम आती है दाग वाली, जिसे फ्लेरिया बोलते हैं। उस चेस्ट की प्रॉब्लम को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको। गमका सेंटर के सबसे ज़्यादा केसेस चेस्ट एक्सरे के आते हैं कि एक्सरे में जो है उनकी प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताते हैं अभी। दोस्तों मेडिकल सेंटर में हेपेटाइटिस बी ब्लड टेस्ट जो होते हैं और साथ में एक्सरे होते हैं, उसमें मोस्टली एक्सरे में प्रॉब्लम आती है, जिसकी मेरे पास भी बहुत कंप्लेंट आई कि हमारा एक्सरे अनफिट हो गया है, अब हम क्या करें। तो एक्सरे अनफिट से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो पहले वीज़ा भेजती हैं, जिसमें से कुवैत है, उनका वीज़ा आता है फिर आप मेडिकल कराते हैं। तो पहले आप वीज़ा मंगाने से पहले या किसी भी फॉर्मेलिटी से पहले एक काम करें, आप एक प्री मेडिकल कराएं, जिसे कच्चा मेडिकल बोलते हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम जब आपको पता चल जाएगी कि आपके कच्चे मेडिकल में आपके अंदर ब्लड में कुछ इशू है, या आपके पुराना कभी फीवर हुआ था या TB हुआ था, उसका कोई दाग है छोटा सा, तो TB का दाग तो कभी नहीं जाता लेकिन वो अनफिट माना जाता है अकॉर्डिंग टू गमका। आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है तब भी आप अनफिट रिपोर्ट लेकर आएंगे। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, प्री मेडिकल कराना है। प्री मेडिकल करा के अगर उसमें कोई कमी आती है तो उसको आपको होल्ड पे रखना है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना है, 20 दिन, 22 दिन, एक महीना, जितना भी है। तो उस ट्रीटमेंट से क्या होता है, अगर आप उस पर दवाइयों का साथ में अपने खान पान का असर कराएंगे तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा और आपके मेडिकल फिट होने के चांसेस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। एक्सरे लिए भी इसमें सबसे कामगार चीज़ जो है दवाइयों के साथ साथ वो है नारियल पानी। कभी कभी जो मेरे खुद के कैंडिडेट मेरे पास आते हैं, अगर मैं किसी का वीज़ा करवाता हूँ तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि मेडिकल सेंटर जाने से पहले भी पानी पी लेना नारियल का, अगर वो सडनली आ जाते हैं। और अगर आप वो कोर्स कर रहे हैं पहले से ही कि दिन में 2 नारियल पानी पी रहे हैं, तो उनका चेस्ट बिल्कुल क्लीन हो जाता है, जिससे उनका मेडिकल एकदम फिट आता है। तो फ्रेंड ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके प्री मेडिकल कच्चे मेडिकल में कोई इशू है, या अगर आपको कच्चा मेडिकल नहीं भी कराना है, आपका वीज़ा आने वाला है, आपकी जॉब लग गई है, आप जा रहे हैं गल्फ कंट्री, तो 1 महीना 2 महीना पहले से ही आपको सुबह शाम नारियल पानी पीना है, जिससे आपके चेस्ट का जितना भी जो भी है, चाहे वो सिगरेट की वजह से निशान है या किसी और की वजह से निशान है, वो सब फ्री हो जाएगा। इवन आप पूरी बॉडी वाइज भी हेल्दी हो जाओगे और फिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। नारियल पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने मेडिकल गम का सेंटर है उनके बाहर भी नारियल पानी वाले इसीलिए बैठे होते हैं कि सडनली अगर आप मेडिकल करा लें तो भी आप एक पी के जाएँ और मेडिकल कराएँ। इसी के साथ साथ आपको फ़िल्टर का वाटर यूज़ करना है। जो रूरल एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पानी साफ़ नहीं है और वो जो बोरिंग का वाटर होता है वो यूज़ करते हैं पीने में, जिसकी वजह से चेस्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, दाग आ जाते हैं। प्रॉब्लम मतलब सिर्फ चेस्ट में दाग होता है, उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो सब लोग फ़िल्टर का यूज़ करें, चाहे जब मेडिकल कराने से 1 महीने पहले थोड़ा मिनरल वाटर पिएँ और साथ ही साथ नारियल पानी पिएँ। इसके बाद आप देखेंगे आपका मेडिकल, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग ऐसे हैं जिनका मेडिकल इसके बाद फिट हुआ है। इसी के साथ साथ एक छोटा सा टिप और देता हूँ मैं आपको। अगर आपका मेडिकल आज है
और 2 घंटे बाद आपको मेडिकल के लिए जाना है, तो आप मेडिकल से पहले बहुत ज़्यादा तेज़ मीठी चाय नहीं पीजिए। कभी कभी आपकी ब्लड शुगर जो है वो ज़्यादा आ जाती है सिर्फ चाय पीने की वजह से। तो आपको करना क्या है, आपको बहुत नॉर्मल खाना पीना है, इवन अगर हो सके तो सिर्फ नारियल पानी पी के आप मेडिकल कराइए और आप देखिए आपका मेडिकल फिट हो जाएगा। तो जिन जिन लोगों को मेरी इस वीडियो से सॉल्यूशन मिला वो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके पूछिए अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, और लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को ताकि सबको पता चले कि अगर आपको चेस्ट एक्सरे प्रॉब्लम से बचना है और गल्फ का मेडिकल फिट कराना है तो वो किस तरह से अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि सारी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की है। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए वीज़ा ओ वीज़ा पर। थैंक यू।